दिल्ली में बाढ़ आई तो दिल्ली सरकार के लिए एक चुनौती तो ये थी कि दिल्ली में जो पानी आया है उसे कैसे कंट्रोल करें। दूसरी चुनौती ये बनी कि जो पानी है उसे बाहर कैसे भेजें। तस्वीरें पहले आपको दिखा दूं, ये जो सामने आप देख रहे हैं ITO बैराज, जब यहाँ से पानी बाहर निकलने की बात आई तो 32 में से 5 गेट जाम पाए गए। स्थिति ऐसी बनी कि सेना तक का सहारा लेना पड़ा। और यहाँ पर लगातार कैंप कर रहे हैं दिल्ली सरकार मंत्री सौरभ भारद्वाज। सौरभ जी, अभी स्थिति कैसी है? देखिए, अब तो स्थिति जो है काफ़ी नियंत्रण में है। हथनी कुंड बराज से पिछले 48 घंटे में पानी जो है कम छोड़ा गया है, करीब 1 लाख क्यूसेक से भी कम हो गया है। और दिल्ली में जो यमुना का स्तर 208.6 मीटर था वो अब घट के 205.7 मीटर 8 मीटर पे है, तो करीब 3 मीटर यमुना नीचे चली गई। इसकी वजह से पानी जो है रिसीड कर रहा है। ये बताइए कि कैंप्स में भी कुछ आप जा रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री भी थोड़ी देर पहले मोरी गेट गए थे, कुछ जगह आपको विरोध का भी सामना करना पड़ा, क्या वजह है, क्या कमी रह गई कुछ? नहीं नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अच्छा। जो बेचारे गरीब लोग कैंप्स में हैं वो तो दुआ दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। वो तो कह रहे हैं कि इस तरीके का इंतजाम हमारे बेटे ने किया, थैंक यू। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और ये क्यों आ रहे हैं वहाँ पे? क्योंकि इनके जो दो सांसद हैं पूर्वी दिल्ली के, उत्तर पूर्वी दिल्ली के, मनोज तिवारी जी और ये जो अपने गौतम गंभीर हैं, ये दोनों गायब हैं। एक पटना में है, एक जयपुर में है। तो इन्होंने कहा कि भाई अगर कोई सरकार का आदमी आएगा तो लोग पूछेंगे सांसद कहाँ है। तो बोला कि जो सरकार के लोग हैं, जो आम आदमी पार्टी के विधायक हों, उनको उन कैंप्स में ही मत पहुँचने दो। मतलब आप सोचिए, कैंप सरकार का दिल्ली का, खाना वहाँ पर अरविंद केजरीवाल द्वारा की सरकार का, रहना वहाँ पर अरविंद केजरीवाल की सरकार का, पानी की व्यवस्था अरविंद केजरीवाल की सरकार की, बिजली की व्यवस्था उनकी, डॉक्टरों की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था अरविंद केजरीवाल की, ये जबरदस्ती बोर्ड लगा के वहाँ पे बैठे हुए हैं। मतलब झूठ की, फरेब की जो राजनीति वो कर रहे हैं कि सिर्फ अगर आप बोर्ड लगा देंगे तो क्या इनका हो जाएगा, इसीलिए कि अब हम चले जाएंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी, ये नाटक हो रहा है। दूसरा, आपने कुछ अधिकारियों की शिकायत भी की थी जिसपे रिवेन्यू के प्रिंसिपल भी थे, डिविजनल कमिश्नर, कि स्थिति को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अब आरोप लग रहे हैं कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, जो अपेक्स कमेटी होती है, उसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। पिछले 2 साल से उसकी जो बैठक थी उसमें गए ही नहीं। मैं ये जानता हूँ, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल की बैठक जो हुई वो मुख्यमंत्री जी ने ही चेयर की। और अभी कुछ दिनों पुरानी बात है, पिछले हफ्ते की बात है, उन्होंने ही चेयर की। और दिल्ली जल बोर्ड की लगातार पिछले कई महीनों से, जिसके अंदर ड्रेनेज और वाटर दोनों के बारे में चर्चा होती है, जिसमें इरिगेशन फ्लड भी आता है, उसमें एनवायरनमेंट भी आता है, उसमें जल बोर्ड भी आता है, वो तो हर 15 दिन में लेते हैं मुख्यमंत्री। क्या बात कर रहे हैं एलजी साहब, उनको मालूम ही नहीं है कुछ? और जो नालों के अंदर घूम रहा था वो कौन था? एलजी साहब ही तो थे जो सब मीडिया वालों को लेके जो है नालों में घूम रहे थे। वो बोल रहे थे कि भाई ये नाला मैं साफ करा रहा हूँ, ये नाला मैं साफ करा रहा हूँ। जब नाले आप साफ करा रहे थे तो अब आप कैसे जो है सरकार के ऊपर दोष दे सकते हैं? एलजी साहब ढोल बजा रहे थे अपना कि मैंने नजफगढ़ नाला साफ कराया, मैंने शाहदरा ड्रेन साफ कराई, मैंने पूरी यमुना साफ कराई, यही तो कहते थे स्पेसिफिकली। अब वो कैसे कह सकते हैं कि जिम्मेदारी किसी और की थी? ये बहुत गलत है, उनको अपनी जिम्मेदारी माननी चाहिए। और तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी कहती है दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, दिल्ली के ऊपर कंट्रोल केंद्र का होना चाहिए। भाई केंद्रीय मंत्री कहाँ है? अगर केंद्र शासित राज्य है तो केंद्रीय मंत्रियों को होना चाहिए। मैं यहाँ क्यों हूँ पिछले एक हफ्ते से? केंद्रीय मंत्री कहाँ है? उनको होना चाहिए। अफसरों के ऊपर कंट्रोल न ले हो तो ये केंद्र का राज्य है, केंद्र शासित राज्य है। काम करना हो तो अरविंद केजरीवाल का है। ये तो बड़ी अजीब बात है, कौन आदमी जो है केंद्र से सवाल पूछ रहा है, कौन आदमी जो है केंद्रीय मंत्री से सवाल पूछ रहा है, कौन आदमी है जिसने LG से कोई सवाल पूछा हो, चाहे अखबार हो, TV हो, सब लोग अरविंद केजरीवाल से सरकार से सवाल पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि उनको लोगों ने चुना है, उनकी ही शक्तियां होनी चाहिए और वो शक्तियां सुप्रीम कोर्ट से जल्द मिलेंगी। सौरभ जी, ना सिर्फ दिल्ली से, हरियाणा से सवाल उठ रहे हैं, कह रहे हैं कि 5 साल से मेंटेनेंस का पैसा नहीं दिया है इसलिए मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे। दिखाएं डिमांड दें, कब डिमांड आई? इस साल भेजी हो उन्होंने, पिछले साल भेजी हो, उससे पहले भेजी हो, एक हफ्ते पहले तक तो वो यही नहीं मान रहे थे कि ये बराज हरियाणा का है। रमेश विदुड़ी तो ट्विटर पे जो है मेरे को कह रहे थे कि सौरभ भारद्वाज झूठ बोल रहा है, ये दिल्ली सरकार का है। अब एक हफ्ते बाद जब पोल खुल गई तो कम से कम ये तो मान लिया कि हरियाणा का है। आप बहानेबाजी ढूंढ रहे हैं कि साहब पैसे नहीं मिले। बताओ भाई, तुमने कब मांगे पैसे और हमने कब पैसे दिए इससे पहले? इससे कोई लेना देना नहीं है इसकी मेंटेनेंस का।
सिर्फ और सिर्फ हरियाणा का काम है मेंटेन करना भी, और ये है भी उनका। लेकिन सीएम ने साफ किया कि एनटीपीसी का जिम्मा होता है वो। मैं आपको आज कह रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को कह रहा हूँ, हरियाणा सरकार कह रहा हूँ, आज दे दो हमें। आज भी तुम्हारी नीयत साफ हो तो आज इस बराज को दे दो, हम मेंटेन कर लेंगे। देंगे वो? नहीं देंगे, क्योंकि नीयत खराब है। मेरा आपसे आखिरी सवाल रहा, क्योंकि स्वास्थ्य का जिम्मा भी आपका है, इससे तो आपने पार पार लिया, अगली चुनौती स्वास्थ्य के तौर पे आने, बीमारियां फैल सकती है, इसको लेकर दिल्ली सरकार क्या तैयारी है? इसके लिए हमारी जो है तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एक हफ्ते पहले हमने सभी डिपार्टमेंट्स की मीटिंग ली है, उसके अंदर पूरा एक प्लान बनाया है किस तरीके से ब्रीडिंग को रोकेंगे। सब डिपार्टमेंट्स की मदद लेंगे, मलेरिया इंस्पेक्टर घर घर जाएंगे, DBCs घर घर जाएंगे, उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी, सीनियर ऑफिसर सुपरवाइज करेंगे, सरप्राइज चेक्स करेंगे, गलती पाई जाएगी तो जो है कार्रवाई करेंगे। बीमारियों का खतरा आपको लग रहा है? देखिए, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के लिए ज़्यादा है अभी फिलहाल, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, इसके लिए सरकार ज़्यादा सावधान है। उस बात पर शुक्रिया। तो एक तरफ जो है अगर बात करें तो बैराज को खोलने की कोशिश की जा रही है, सेना उसमें मदद कर रही है, तस्वीरें भी आपको दिखाई, दूसरी तरफ देखें तो इन हालातों के लिए जिम्मेदार कौन है, इसको लेकर के दिल्ली में ही कई अलग अलग पक्ष हैं। अधिकारी कुछ और कहते हैं, LG का दफ्तर कुछ और कहता है, दिल्ली सरकार कुछ और कहती है, और इस बीच क्योंकि स्टेक होल्डर इसमें एक हरियाणा भी है तो हरियाणा की तरफ से अलग दावा किया जाता है। अरुण सहयोगी राजेश के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी9 भारतवर्ष, दिल्ली।